हमें शायद अभी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कोटा में आए हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेमोरीज बन रही हैं, दोस्ती हो रही है। पर यार ऐसी दोस्ती के एंड में जब रिजल्ट नहीं आता ना, तो मुड़ के इस टाइम को याद करने का मन भी नहीं करता। फिर वो बस एक बुरी मेमोरी बन के रह जाता है। अगर सिलेक्ट नहीं हुए ना, तो ये हमारी जितनी भी शैतानियां है ना, गलतियां बन के रह जाएंगी। हमारी एजी ऐसी है यार, हम ना देख ही नहीं पाते कि आगे क्या होने वाला है। डाउट में है, पापा से बात कर ले। जैसा कि तू बड़ा अपने पापा की सुनता है, फॉलो नहीं कर पाता, इसका मतलब ये नहीं कि सुनता नहीं हूं। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कॉन्सेंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह छह छह घंटे। तो क्या करूं, क्या करूं मीना, बता मुझे मैं क्या करूं, बता। कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। तुझे देखता हूं ना मीना, तो शर्म आती है मुझे, शर्म आती है कि तू कहां से आके क्या क्या कर रहा है। और मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब कुछ होने के बावजूद मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है मुझसे। बाप आईआरएस है मेरा, उसको कैसे बताऊं यार कि मैं नालायक हूं, मुझसे नहीं हो पाएगा आईआईटी, मुझे माफ कर दो। कैसे बताऊं मीना। पापा से बात कर, वो जो बोले कर। माँ बाप के डिसीजन शायद गलत हो सकते हैं, उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती।